Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Naveed Jafar. Ji students, our ECAT lecture series jari aur chapter 8 ka aaj last lecture hum discuss karenge, jiske andar main aapko kuch tricks bataunga jo hai binomial theorems, binomial expansions aur binomial series se related. Ab iske coefficients se related kafi cheeze important hai aur wo MCQs mein puchi bhi ja rahi hain aur puchi jati hain. To unme se agar aap iske coefficients dekhen, pehle agar aapko pata hai ki a plus b raised to power n जो है, इसके जो coefficients हैं, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, a plus b raised to power n के coefficients, वो students हमारे पास बनते हैं, n combination 0, n combination 1, n combination 2, n combination 3 up to n combination n. इससे related मेरे previous lectures के अंदर भी कुछ बातें मौजूद हैं, लेकिन हम इससे related और कुछ important चीजें जो हैं, वो discuss करते हैं यहाँ पे. तो number one पे मैं आपको students इसमें बताना चाहता हूँ कि कोई भी जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आपसे एक एमसीक्यूज ऐसा पूछा जा सकता है कि इसके तमाम कोएफिशिएंट्स में से ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होगा. लेट्स जैसे मैं बात कर रहा था वो 155 वगैरह की, तो उसमें से आपसे पूछा जाए कि पावर 5 के अंदर जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो उसमें 10 था. तो अब ये एक तो ये तरीका कि या तो हम पूरा एक्सप्रेशन फाइंड करें, फाइंड करने के बाद बताएं, लेकिन आसान तरीन तरीका क्या है जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो फार्मूला बताऊंगा आप उसको फॉलो करेंगे. सो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, इफ एन इज इवन, एन इवन और ऑड होने पे ऑब्वियसली इफेक्ट होगा. नंबर वन, इफ एन इज इवन, अगर इस एक्सपेंशन में एन इवन है, देन द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज, देन द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज coefficient is n combination n by 2. So students, ये इसका greatest जो coefficient होगा अगर n even हो जाए. जैसे let's मैं बात करता हूँ आपका n 6 कर लेते हैं, यानी कि x plus y raised to power 6 में greatest coefficient क्या होगा. तो अभी आपने previously देखा था, मैंने वो सारे coefficients आपको find करके भी दिए, तो अभी हम check कर लेते हैं इस formula के तहत कि वो क्या होगा. तो इसके मुताबिक ये बनता है n combination n by 2 से मुराद 6 combination 6 by 2 मतलब 6 combination 3, ये इसका greatest coefficient होगा. तो जब आप इसको solve करेंगे 6 factorial over, ये आपके पास आ जाएगा 6 minus 3 factorial और 3 factorial, तो आप इसको solve करें 6 factorial, ये आ जाएगा मेरे पास 3 factorial dot 3 factorial, तो ये बनेगा 6, 5, 4, 3 factorial, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 3 factorial, और एक मैं 3 factorial को 6 लिख लेता हूँ. तो students, ये 3 factorial, 3 factorial से cancel, 6, 6 से cancel, तो मेरे पास answer कितना आ गया, 20. So आपने उस expression में देखा भी होगा, जो मैंने 6 के लिए combinations बनाए थे, कि जो उसका greatest coefficient बना था, वो 20 ही बना था. So इस आसान से फॉर्मूले से आप किसी भी एक्सप्रेशन में अगर n इवन है तो उसमें से ये बता सकते हैं कि इसके तमाम कोएफिशिएंट्स में से सबसे बड़ा कोएफिशिएंट कौन सा है, तो उसका ये ट्रिक है. उसके बाद स्टूडेंट, अगर ये n को हम ऑड कर दें तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, जरा वो देखते हैं. इफ n इज ऑड, नंबर 2, इफ n इज ऑड, देन द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, then the greatest coefficient is, फिर उसका students जो formula हो जाएगा वो होगा n combination n minus 1 by 2 और n combination n plus 1 by 2, यानी कि वो एक odd number के मुताबिक n combination n minus 1 by 2 होगा या फिर n combination n plus 1 by 2 होगा. तो ये आपके पास greatest coefficient है in the sense of n is odd number, जब आपके पास n एक ऑड नंबर आ जाएगा तो फिर कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी. इसके बाद स्टूडेंट्स इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं कि अगर नेक्स्ट जो ट्रिक आपको बता रहा हूं वो ये कि अगर आपके पास जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, n combination 0, n combination 1 अप टू n combination n, अगर तमाम इवन कॉम्बिनेशंस को तमाम ऑड कॉम्बिनेशंस में से माइनस कर दिया जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या बचता है. यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर n combination 0 minus n combination 1 plus n combination 2 minus n combination 3, यानी कि ऑड के साथ आप क्या करते जाएं, माइनस लगाते जाएं और इवन के साथ आप प्लस लगाते जाएं, तो
तो आपसे कोई पूछ ले कि ये रिजल्ट किसके इक्वल है, तो रिमेंबर दैट तमाम ऑड कोफिशेंट्स को तमाम इवन कोफिशेंट्स में से माइनस करें या तमाम इवन कोफिशेंट्स को तमाम ऑड कोफिशेंट्स में से माइनस करें, तो आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई कि अगर आप इवन कोफिशेंट्स का सम करते हैं तो उसका भी आंसर 2^n-1 आता है, ऑड कोफिशेंट्स का सम करते हैं तो उसका भी आंसर 2^n-1 आता है। तो जब आंसर सेम है तो दोनों को माइनस करने से ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट मूव करते हैं जरा इससे आगे। अगर आप जो है प्रोडक्ट करते हैं 1 की 2 के साथ, यानी कि नेक्स्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप अगर n कॉम्बिनेशन 0 को n कॉम्बिनेशन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस n कॉम्बिनेशन 1 को n कॉम्बिनेशन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस तरह की प्रोडक्ट कि हर प्रीवियस को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर करके प्लस करना है, तो आप नेक्स्ट n कॉम्बिनेशन 2 को n कॉम्बिनेशन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, n कॉम्बिनेशन n-1 को n कॉम्बिनेशन n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने देखना है कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो बन जाएगा 2n, ये बनेगा 2n कॉम्बिनेशन n-1। सो ये आसान सा इसका रिजल्ट बन जाएगा, 2n कॉम्बिनेशन n-1 इसके प्रोडक्ट का जो आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक आखिरी बात और फिर बाइनोमियल सीरीज का जस्ट थोड़ा सा तज़किरा करते हैं। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशंस में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कौन सी होती है। सो NCR इज ग्रेटेस्ट इफ R इज इक्वल्स टू NCR, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटेस्ट इफ R इज इक्वल्स टू NCR आपका ग्रेटेस्ट होगा अगर आपके पास जो R की वैल्यू ये हो जाए n/2 व्हेन n इज इवन, n इज इवन। अभी आपने मेरी प्रीवियस डिस्कशन में ये बात देखी है कि जिस तरह मैंने बताया था कि 6C3 का जो आंसर है वो उस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा होगा, तो यही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कब होगी, जब r आपका n/2 हो जाए और n इवन हो। तो यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला यही बन जाएगा, n कॉम्बिनेशन n/2 का बन जाएगा NCR से। उसके बाद अगर आपके पास ये ऑड हो तो प्रीवियस जो मैंने आपको बात बताई सेम वही बात आपको बता रहा हूँ के n-1/2 या n+1/2 व्हेन n इज ऑड, जब आपके पास n जो है वो एक ऑड नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको मैक्सिमम ट्रिक्स बताए मैंने बाइनोमियल जो है एक्सपेंशन से रिलेटेड। अब फाइनली बाइनोमियल सीरीज क्या होती है और बाइनोमियल सीरीज कन्वर्ज कब करती है, ये बात करके हम अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बाइनोमियल सीरीज की जब हम बात करते हैं तो बाइनोमियल सीरीज में कुछ ये आपके पास कि लेट्स ए प्लस बी रेज टू पावर एन आपके पास है ना, ए प्लस बी रेज टू पावर एन में अगर आप ए को 1 और बी को लेट्स मैं एक्स कर देता हूँ और यहाँ पे एन जो है मेरे पास अब वो बिलोंग करेगा, एन या तो होगा इज़ नेगेटिव इंटीजर या फिर स्टूडेंट आप ये बात करेंगे कि एन इज जो नेगेटिव इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर, यानी कि या तो वो फ्रैक्शन में होगा फ्रैक्शन में और या फिर वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन 1+x^n, ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 1+nx+n(n-1)/2 और साथ इधर आ जाएगा x^(n-1)(n-2)/3 और साथ x³+(so on)। और याद रखें सीरीज़ की लास्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। आखिरी बात केस ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है, तो याद रखें कोई भी सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है जब उसका कॉमन रेशो ज्योमेट्रिक जो कॉमन रेशो होता है वो लेस देन 1 आता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया करना है कि ये जो भी x है ये आमतौर पर आपके जो पेपर्स होते हैं उसमें लाजमी MCQs आता है इसका कि ये जो x है इसको आपने कह देना है x|(1)। तो ये आपका कन्वर्जेंट इंटरवल अगर पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स वो बनेगा -1 से लेके 1 के दरमियान ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, जब भी x की वैल्यू इससे ऊपर जाएगी या आगे पीछे होगी तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी। और एक आध एग्जांपल ले लें, अगर मैं 1-2x^(-1/2) करता हूँ और आपसे कहता है कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं, तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली क्या करना है -2x|(1), तो ये आ जाएगा -2 mod x mod less than 1, ये आ जाएगा
x mod less than 1 by 2, चूंकि mod negative को positive कर देगा, और ये फिर interval बनेगा minus 1 से लेके, minus 1 by 2 से plus 1 by 2 तक. तो इस तरह से आपकी series कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल के दरमियान. कन्वर्जेंस के लिए ये बात ध्यान में रखें कि ये ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पावर जो है फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है, कुछ भी हो आपने ये मॉड को, हाँ पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, ये पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी हो आपने इस टर्म को लेस देन वन रखना है पॉजिटिव करके, और आप वहाँ से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बता देंगे. यकीनन उम्मीद है आपको सारे लेक्चर्स चैप्टर 8 से रिलेटेड और बाकी तमाम लेक्चर्स पसंद आए होंगे. कोशिश करें कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझसे पूछें, कमेंट्स में लिखें, मैं आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा. वीडियोज़ देखते रहें, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इतवार तलब फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.